हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को खेल तंत्र के एक और नई वीडियो में। एंड फाइनली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक बहुत ही लाजवाब साइनिंग कर ही डाला। इंडियन सुपर लीग के बाकी क्लब साइनिंग आफ्टर साइनिंग कर रहे थे, बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, क्लब की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। हाईलैंडर्स के फैंस चिंतित थे, लेकिन फाइनली अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक साइनिंग कर ही डाला। जी हाँ, हर्नान सांताना अब अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप हर्नान सांताना की बात करें तो 30 साल के वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर प्लेयर है। मैंने अपने वीडियोज में पहले ये बताया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी खासा कमारा के अलावा एक डिफेंसिव मिडफील्डर की तलाश कर रहे हैं, और आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज की एक डिफेंसिव मिडफील्डर टीम में ऑलरेडी है, फिर नॉर्थ ईस्ट एफसी एक और डिफेंसिव मिडफील्डर की तलाश क्यों कर रहे हैं। बट गाइस, हर्नान सांताना कैन प्ले एज ए सेंटर बैक एज वेल, और अगर डिलान फॉक्स अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू करेंगे तो हर्नान सांताना और डिलान फॉक्स विल बी इन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डिफेंस, तो बहुत गजब का लाइनअप होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की। बात करते हैं हर्नान सांताना के बारे में, बहुत ही अनुभवी प्लेयर है, 30 साल के वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है और ला लीगा में बहुत सारे मैचेस वो खेल चुके हैं। जी हाँ, लास पामास के तरफ से 100 से भी ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले थे, स्पोर्टिंग गिहोन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और याद रखिए मेसी रोनाल्डो के खिलाफ हर्नान सांताना खेल चुके हैं, तो बहुत ही अनुभवी प्लेयर है। और लास्ट सीजन मुंबई सिटी एफसी के साथ हर्नान सांताना ने इंडियन सुपर लीग का खिताब भी जीता था। So, ऐसा नहीं है कि उनको इंडियन फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, भारतीय फुटबॉल के बारे में वो बाकी जानते हैं, और अपकमिंग सीजन में वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप हाईलैंडर्स के समर्थक हैं, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हर्नान सांताना से क्या उम्मीद करते हैं जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।